हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के दिन में दो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है एंड आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। बट आई एम जस्ट मेकिंग वीडियो और जैसे ही आई विल रिकवर आई विल गिव यू द प्रॉपर रिप्लाई। सो अगर बात करें यहाँ पर आज की डेट की, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल कंपनी से रिलेटेड, उसके रिजल्ट से रिलेटेड। कुछ ऐसी कंपनी होगी जिससे रिलेटेड हमने कभी चर्चा नहीं करी और उनके रिजल्ट काफी बेहतरीन आया, तो उनसे रिलेटेड प्रॉपर वीडियो बाद में बनाएंगे। बट एक बार इनके रिजल्ट देख लेते हैं। तो बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। और बाकी दूसरी वीडियोज को जाइए देखिए और सीखिए, सीखिए यहाँ पर काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ मार्केट से नजर आएगा, और हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं। अगर हम बात करें इस कंपनी की, यहाँ पर ये पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल लिमिटेड, आपको पता है केमिकल स्टॉक्स किस तरीके से भाग रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स में रिजल्ट है, ये इस क्वार्टर के रिजल्ट है, लास्ट क्वार्टर के, और ये लास्ट ईयर के इस सेम क्वार्टर के रिजल्ट है। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,439 लाख रुपीज से पहले, 30,000, इससे पहले 15,000 लाख रुपीज का यहाँ पर टोटल इनकम थी। अगर बात करें ईयरली बेसिस पर जंप है, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर गिरावट है। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं और भी कुछ चीजों की, तो एक्सपेंस यहाँ पर देखिए 23,279 लाख रुपीज से पहले 29,000, इससे पहले 14,721 लाख रुपीज के एक्सपेंस हुए थे। तो एक्सपेंस ईयरली वाइज बढ़ रहे, बट क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी गिरावट है। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, टैक्स एंड ऑल यहाँ पर काटने के बाद इस चीज को, तो हम यहाँ पर देखेंगे 857 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 446, से पहले 205। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इनकम कम है, बट स्टिल यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे इनके बहुत सारी चीजों के एडजस्टमेंट, जैसे कि टैक्स, यहाँ पर इस बार टैक्स ज्यादा देता हुआ दिखाई दिया। और भी अगर हम यहाँ पर और भी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगी कि इस जिस वजह से यहाँ पर इस बार का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कल की डेट में ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई देगा। ईपीएस भी इसका ईयरली क्वार्टरली बेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नजरें बना के रखिएगा। एसबीआई लाइफ अगर बात करें, इंडेक्स में रिजल्ट है। आईसीआईसीआई लाइफ एज वेल एज आईसीआईसीआई लॉम्बर्ड, जो जीआई के नाम से जाना जाता है, और एचडीएफसी लाइफ, सबके यहाँ पर रिजल्ट बेकार थे। एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं सेम पैटर्न है। अगर हम यहाँ पर देखें फर्स्ट ईयर प्रीमियम, यहाँ पर आपको ये सब चीजें देखनी होगी जो हम रिजल्ट देखते हैं, जो एक आइडिया लगाने के लिए देखते हैं। बाकी आप इसे एक एक करके पढ़ोगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें नेट प्रीमियम इनकम, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो इन्होंने इन्वेस्ट करी होगी, इन्वेस्टमेंट करी है उनसे जो इनकी इनकम हुई है। फर्स्ट ईयर प्रीमियम क्या हुआ है, रिन्यूअल जो लोगों ने रिन्यूअल प्रीमियम कराया है, सिंगल प्रीमियम क्या है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा देख रखा है, एक बार इसे जरूर देखिए। नेट कमीशन यहाँ पर दे रखा है, रिवॉर्ड्स एंड ऑल यहाँ पर ये सब चीजें दे रखी है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए टोटल अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, 2 एंड 5, यहाँ पर 2 एंड 5, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 15,73,691 लाख रुपीज, इससे पहले 20,89,670 लाख रुपीज, से पहले 16,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट है इस क्वार्टर में, अगर हम बात करें इनकम की। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, जो कि यहाँ पर दिख रहा है एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं 87,000, इससे पहले 1,24,000, इससे पहले 77,000। तो ईयरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ रहे, क्वार्टरली बेस पे गिरावट है। प्रोविजनिंग भी देखनी है तो यहां पर देख सकते हैं प्रोविजनिंग फॉर डाउटफुल डेट, तो यहाँ पर 56 लाख रुपीज का यहाँ पर इन्होंने प्रोविजनिंग इस बार करी है, पहले नेगेटिव में थी, इस बार उससे पहले 8 लाख थी। और इसके अलावा हम बात करते हैं और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं, सरप्लस डेफिसिट यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल्स ऑफ सरप्लस यहाँ पर काफी सारी चीजें देख रखी है। बट हम सीधे यहाँ पर आते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 22,316 से पहले 53,000, से पहले 39,000। तो हम देखेंगे तो ईयरली और क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर कंपनी को, यहाँ पर एसबीआई लाइफ को लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी लॉन्ग टर्म कोई बैट है, अगर इफ यू कैन गिव देम एटलीस्ट 5 ईयर्स या फिर 10 ईयर्स, एट दैट टाइम यू कैन थिंक अबाउट दोज स्टॉक्स, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई एज वेल एज एचडीएफसी लाइफ दोनों ही अच्छे नजर आ रहे हैं। बट अभी यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, तो
मैं तो एटलीस्ट यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने वाला। जब यहाँ पर एक बार रैली बनती शुरू होगी, एट द टाइम वी विल थिंक अबाउट इट, क्योंकि HDFC लाइफ में किया था, बट वो उस तरीके का यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं मिलता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के मतलब से हम देखेंगे। इसके अलावा देखते हैं स्कैन स्टील लिमिटेड, एक और कंपनी है, सेम पैटर्न है। अगर हम यहाँ पर देखें इंडेक्स में रिजल्ट है, टोटल इनकम देखते हैं 23,917 से पहले 24,376 से पहले 15,384। तो अगर हम देखते हैं ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। एक्सपेंस की अगर बात करते हैं, यहाँ देखिए 20,000 एक्सपेंसेस से पहले 21, इससे पहले 15,000 लैक्स इन रुपीज से। अगर हम ओवरऑल देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर देखिए 2,179 लैक्स इन रुपीज से 2,366 से 18 लैक्स इन रुपीज। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है बहुत अच्छी खासी, जो कि क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी स्लाइटली गिरावट है। तो अगर बात करें स्कैन स्टील, यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई यहाँ पर दिखाई दी है, तो इसकी तरफ नजरें बना के रख सकते हैं। और स्टील के सेक्टर एक्चुअली यहाँ पर चल रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। टाटा मोटर्स में के रिजल्ट आपके सामने, इन करोड़ में रिजल्ट है, आपको पता ही है 3 साल में नेट डेट फ्री यहाँ पर कंपनी को करना था, 1 साल ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है। टोटल इनकम की हम बात करें 12,150 लाख रुपए करोड़, इससे पहले 20,305 करोड़, इससे पहले 2,821। ईयरली वाइज काफी अच्छी जंप है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर भारी गिरावट है। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, जो कि अगर हम बात करें इनके, आई थिंक कंडक्टर इन्हें नहीं मिल रहे थे। ओके, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर यहाँ पर बोल चुके हैं इनकी मैनेजमेंट। और एक्सपेंस की बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं 13,439 से पहले 20,000 से पहले 464,962 करोड़ के यहाँ पर है। इसकी बात करें ईयरली वाइज एक्सपेंस बढ़ रहे, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। और हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंस ज्यादा हुए, इनकम कम हुई है, बट यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं सीधे, यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो मतलब 1,320 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ है। इससे पहले 1,645 करोड़ का प्रॉफिट था, और 1 साल पहले 2,190 करोड़ का लॉस था। मतलब लॉस ईयरली वाइज तो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आ रहा है, बट हम ईयरली वाइज बात, क्वार्टरली वाइज बात करें तो कंपनी प्रॉफिट से घाटे में आ गई है दोबारा। देखते हैं 3 साल में अपने आप नेट डेट फ्री कर पाते हैं या नहीं, इसी हिसाब से यहाँ पर ये शेयर भागता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अभी दूर रहिए शेयर से, कि 3 साल के लिए वेट करेंगे, 4 साल के लिए, जब एक बार पॉजिटिव आपको अगली बार के रिजल्ट दिखे या उससे अगली बार के, एट द टाइम वी विल थिंक अबाउट इट, वरना अदर अभी दूर रही है। सेम अगर देखें यहाँ पर टाटा मोटर DBR, आई थिंक कि सेम ही रिजल्ट होते हैं, और तो यहाँ पर देखें सेम यहाँ पर घाटे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो दूर रही है। इसके अलावा बात करते हैं और एक कंपनी वेदांता लिमिटेड, आपको पता ही है इसके रिजल्ट ऑन द मार्केट आ गए थे और ड्यूरिंग द मार्केट। अगर इन करोड़ में रिजल्ट है, टोटल इनकम देखे 14,357 इस वाले 12,000 इस वाले 11,000, ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जंप है। यहाँ पर अदर इनकम भी है, जो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट हुआ है, इसे रेफर नोट नंबर 9 यहाँ पर जाके आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अदर इनकम ज्यादा होती दिखाई दी है, बट स्टिल हम देखिए तो देखिए अदर इनकम यहाँ पर भी ज्यादा होती हुई दिखाई दी थी यहाँ पर जब 1 साल पहले, बट क्वार्टरली वाइज अगर देखें तो क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर अच्छी खासी जंप है। यहाँ पर अगर और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी देख ले, वो भी अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेंस देखे 10,616 से पहले 10,796 से 6,974 करोड़। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3,366 से पहले 14,041, इससे पहले 2,964 करोड़ के यहाँ पर प्रॉफिट था। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, इसकी तरफ ध्यान रखिएगा। ये आज भी भागता हुआ दिखाई देगा, कल भी भागता हुआ दिखाई देगा, तो यहाँ पर EPS भी इसका उसी हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें यहाँ पर एक और कंपनी है विशाखा इंडस्ट्री, भी हमने कभी इससे रिलेटेड बातें नहीं करी, बट हम बात करें इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है, इसके रिजल्ट अच्छे है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इनकम यहाँ पर ईयरली वाइज बात करें जंप है, बट क्वार्टरली वाइज की बात करें स्लाइटली गिरावट है। 35,156 तो एक्सपेंस भी देखते हैं तो 29,652 इस बार के से 31,724 ईयरली वाइज एक्सपेंस बढ़ रहे, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम देखते हैं तो 4,058 लैक्स का प्रॉफिट है, इससे पहले 3,087 से 3,441। तो ईयरली वाइज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, जो कि इनके EPS में भी दिखाई दे रहा है। विशाखा इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है, ध्यान में रखिएगा। एज वेल एज बात करते हैं एक और कंपनी विशाल फैब्रिक्स की, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो कह रहे थे कि कौन सा स्टॉक्स है, तो शायद ये भी एक स्टॉक्स है, तो इसे देख लीजिएगा। अगर टोटल इनकम की बात करें 29,502 इससे पहले 38,000 इससे पहले 6,734 आई थिंक लैक्स इन रुपीज में ही नंबर होंगे, यहाँ पर दे नहीं रखा है, बट कोई नहीं,
यहाँ पर देखें तो ईयरली वाइज जंप है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है, और हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पर एक्सपेंस ईयरली वाइज बढ़ रहा है बट क्वार्टरली वाइज सेम उसी तरीके से गिरावट नजर आ रही है। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1024, इससे पहले 1396 से पहले, एक साल पहले कंपनी घाटे में, मतलब कंपनी घाटे से प्रॉफिट में आ गई है एक साल में अगर बात करें, बट क्वार्टरली बेसिस में यहाँ पर थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है, जो कि इनके ईपीएस में भी आपको साफ झलकेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और कंपनी की, यहाँ पर VLS फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा ही महिंद्रा फाइनेंस के भी यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट हुए थे, आई थिंक उसको मैंने लिया नहीं है, तो वहाँ पर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, उससे दूर रहिएगा, और दूसरे स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। VLS फाइनेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा किस किस तरीके से यहाँ रेवेन्यू हुई है, बट अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 8024 यहाँ पर लैक्स इन रुपीज, से पहले 11,178, से पहले 626, तो ईयरली वाइज अच्छा खासा जंप है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। और एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी उसी तरीके से ईयरली वाइज बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है, तो 494 लैक्स इन रुपीज के एक्सपेंसेस, से पहले 630, से पहले 216। और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 6,812 लैक्स इन रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 10,288, इससे पहले 1,174 लैक्स इन रुपीज। तो अगर बात करें ईयरली बेसिस पे कंपनी ने लगभग 6 गुना यहाँ पर प्रॉफिट किया है, और क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। अगर बात करें यहाँ तो बिल्कुल ही लॉकडाउन वगैरह से रिलेटेड न्यूज नहीं, थोड़ा सा लॉकडाउन था, और यहाँ पर अगर बात करें पूरा ओपन अप हो चुका था मार्केट, तो इस चीज को आप देख सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। वक्रांगी की बात करें तो आई वॉज थिंकिंग कि इसमें अच्छे खासे रिजल्ट नहीं आएंगे जस्ट बिकॉज लास्ट टाइम के रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे, बट इसने सबको चौंका दिया। ओके, और यहाँ पर इनलैक्स में रिजल्ट है, हम देखते हैं टोटल इनकम, तो टोटल इनकम ईयरली क्वार्टरली वाइज बढ़ती हुई नजर आ रही है। वन थिंग आई नीड टू टेल यू कि यहाँ पर अदर इनकम है ना वो कम होती नजर आ रही है, स्टिल यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक्सपेंस की बात करें 10,576 हुआ है, इससे पहले 7,327, इससे 4,827 लैक्स इन रुपीज, तो ईयरली क्वार्टरली बेस यहाँ पर जंप है। और बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, इसके तो हम देखें तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया है, जंप है यहाँ पर प्रॉफिट में, जो कि हम यहाँ पर ईपीएस से भी देख सकते हैं, 19 पैसे का ईपीएस, इससे पहले 16, इससे पहले 9 पैसे का ईपीएस था। तो वक्रांगी की तरफ ध्यान जाएगा, कल भागता हुआ दिखाई दे सकता है। और उदयपुर सीमेंट एक और कंपनी है, ऑन द ड्यूरिंग द मार्केट रिजल्ट आए थे, यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया, इनका रोड्स में रिजल्ट है। टोटल इनकम देखिए 217 करोड़ के, यहाँ पर टोटल इनकम इस बार 219 से 138। तो अगर बात करें ईयरली वाइज क्वार्टरली वाइज लगभग फ्लैट है, ईयरली वाइज यहाँ पर सेम है, अच्छी खासी इनकम है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस तो 195 करोड़, इससे पहले 193, से पहले 132, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम बात करते हैं तो 16 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 22 करोड़, से पहले 5 करोड़, तक कंपनी ने 3 गुना यहाँ पर प्रॉफिट करके दिखाया है ईयरली वाइज, तो इस चीज को हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा सागर सॉफ्ट एक और कंपनी है, यहाँ पर इन लैक्स में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें 1159, इससे पहले 1120, से पहले 941 लैक्स इन रुपीज का यहाँ पर इनकम है, तो ईयरली वाइज एज वेल एज क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जंप है टोटल इनकम में। एक्सपेंस देखते हैं तो एक्सपेंस भी यहाँ पर अगर हम देखें क्वार्टरली ईयरली वाइज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इस बार 987, इससे पहले 981, इससे पहले 782। और हम देखते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, 147 लाख इन रुपीज, से पहले 140, से पहले 114 लाख इन रुपीज का इनकम थी, तो ईयरली क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया है, जो कि अच्छा खासा यहाँ पर हम देखे तो कंपनी का ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, कल शायद भागता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा देखिए राणे ब्रेक, यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू ईयरली वाइज बढ़ रहे हैं बट क्वार्टरली वाइज गिरावट है। ओके, यहाँ पर इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी इस तरीके से ही सेम दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल यहाँ पर अगर हम देखें तो आज के डेट में शेयर फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया, थोड़ा सा गिरावट। टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं ईयरली वाइज बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली वाइज गिरावट है, और हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड की हम बात करते हैं सीधे, तो 1.73 आई थिंक करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले अगर हम बात करें 14 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 6 करोड़ का यहाँ पर घाटा था, तो घाटे से प्रॉफिट में आ गई है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर भारी गिरावट है। इसके अलावा फिलिप कार्बन, इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन आए थे, 6-7% भागता हुआ दिखाई दिया, इन करोड़ में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ईयरली क्वार्टरली वाइज बढ़ रही है, इस बार 1,007 करोड़, इससे पहले 877, इससे पहले 362 करोड़ के यहाँ पर इनकम थी। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस भी यहाँ पर बात करते हैं ईयरली वाइज बढ़ रहा है, क्वार्टरली वाइज बढ़ रहा है, 876 करोड़ के इस बार के
एक्सपेंसेस से पहले कम थे। और बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 104 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले अगर बात करें 127 करोड़ का प्रॉफिट था, और एक साल की बात करते हैं 2 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 2 करोड़ से 104 करोड़ का प्रॉफिट हो गया एक साल में, जो कि काफी बेहतरीन है। बट ईयर क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट है, और यहाँ पर सेगमेंट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन ब्लैक से इनको किस तरीके से इनकम हुई, पावर से इनको किस तरीके से इनकम हुई, इस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी है पद्मानम मफतला ग्रुप, तो इसकी अगर हम बात करते हैं, सॉरी ये है नवीन फ्लोरिन कंपनी का नाम है यहाँ पर, आई थिंक ये और कुछ है, हाँ इनकी ग्रुप होगी। तो नवीन फ्लोरिन की यहाँ पर इन लैक्स में रिजल्ट है, टोटल रिवेन्यू देखे तो ईयरली वाइज जंप है, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर स्लाइटली गिरावट है। और एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस भी देख सकते हैं, एक्सपेंस भी ईयरली वाइज जंप है, बट क्वार्टरली वाइज स्लाइटली गिरावट है। 24,717 लाख रुपीज से 25 से पहले 16,000 लाख रुपीज के यहाँ पर एक्सपेंस थे। और हम बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 5,643 लाख रुपीज से पहले 12,000 से पहले 5,156। तो ईयरली वाइज यहाँ पर स्लाइटली जंप है, बट क्वार्टरली वाइज बात करें यहाँ पर गिरावट है। और ये शेयर अच्छा खासा भागा भी था, तो इसलिए आज यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इसके क्वार्टरली बेस पे आई थिंक लोगों ने जज किया है, ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर अच्छे खासे रिजल्ट यहाँ पर पेश करे हैं। लार्सन एंड टूब्रो आपको बताइए एक मार्केट का दिग्गज शेयर, इन करोड़ में रिजल्ट है। टोटल इनकम देख सकते हैं 29,982 करोड़, इससे पहले 49,000 करोड़, इससे पहले 22 करोड़। अगर बात करें ईयरली वाइज जंप है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। और एक्सपेंस की बात करते हैं तो 27,000 यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हुए, इससे पहले 43,000 से पहले 21,000। तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली वाइज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी होगी, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, ओके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 1,531 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 3,695 था, इससे पहले 543। ईयरली वाइज बात करें तो यहाँ पर 3 गुना जो यहाँ पर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया लगभग, बट क्वार्टरली वाइज यहाँ पर आधे से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट है, 50% से भी ज्यादा की। तो यहाँ पर देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट से रिएक्ट करेगा। ईपीएस के हिसाब से आप देख सकते हैं ईपीएस भी कम होता हुआ नजर आ रहा है। केपीआईटी यहाँ पर हमने इस शेयर को काफी बार बताया था, लास्ट टाइम जब इसके रिजल्ट आए थे 180 के आसपास था तब बताया था, ये 140 के आसपास था अभी शेयर तब बताया था, और बीच में भी काफी बार बताया, और आज के दिन भी यहाँ पर देखिए तो इसके रिजल्ट है आप देख सकते हैं। और काफी सारी कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया है, तो उस चीज को भी आप चेक कर लीजिएगा। इन मिलियंस में ये रिजल्ट है, यहाँ पर देखिए रिवेन्यू, तो यहाँ पर रिवेन्यू देख सकते हैं, यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली वाइज रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ओके नेट गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी होगी। और अगर बात करते हैं अदर इनकम रेफर नोट यहाँ पर देख सकते हैं, तो अदर इनकम भी बढ़ती है। अगर बात करें यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली वाइज कंपनी ने अच्छा खासा टोटल इनकम में जंप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5795, इससे पहले 54, इससे पहले 949। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज जंप है यहाँ पर टोटल इनकम में। एक्सपेंस की बात करें तो 5000, इससे पहले 4800, इससे पहले 4600 के आसपास के एक्सपेंस थे, तो एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। बट अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो 602 मिलियन से रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 527, इससे पहले 242। तो कंपनी ने ईयरली बेसिस पे 3 गुना प्रॉफिट लगभग किया है, 2.5 कह सकते हो। अगर बात करें क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का जंप है प्रॉफिट में, और यहाँ पर ईपीएस भी देख सकते हैं, ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये ग्रोइंग कंपनी है, इसकी तरफ नजरें बना के रखिएगा, यहाँ पर किस तरीके से इनके रेवेन्यू हुआ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। केपीआईटी एक दिग्गज शेयर है, मेरे पोर्टफोलियो में है, सो बता रहा हूँ, यहाँ पर कल भागते हुए दिखाई दे सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको पता ही है, ये इस बैंक के भी रिजल्ट आए और ऑन ड्यूरिंग द मार्केट आए थे, तो आई थिंक अच्छे खासे इसके रिजल्ट आए थे, बट फ्लैट बंद हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखे तो यहाँ पर इन करोड़ में रिजल्ट है, टोटल इनकम देख सकते हैं यहाँ पर तो 8,062 करोड़ के यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 8,398, इससे पहले 7,685। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, टोटल इनकम है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न भी अगर हम देखते हैं तो ईयरली वाइज यहाँ पर थोड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, क्वार्टरली वाइज बात करें तो स्लाइटली आप कह सकते हैं बराबर ही के लगभग यहाँ पर सेम ही यहाँ पर इनकम होती हुई नजर आ रही है। और भी कुछ चीज यहाँ पर है जो देख सकते हैं, अदर इनकम देख सकते हैं, अदर इनकम ईयरली वाइज बढ़ रही है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। इसे रेफर नोट 3 यहाँ पर नीचे आएंगे तो नोट 3 की दिखाई देगा, तो वो भी चेक कर सकते हैं आप। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर देख लिए 4,941 करोड़, इससे पहले 4,990, इससे पहले 5,000। तो ईयरली वाइज यहाँ पर बात करें और क्वार्टरली वाइज बात करें, यहाँ पर टोटल एक्सपेंस घटते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली वाइज बढ़ रहे हैं, क्वार्टरली वाइज घटते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोविजनिंग की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पर प्रोविजनिंग अदर देन टैक्स एंड
टी जे एन सीज रेफर नोट 3 और 4 यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, किस चीज का प्रोविजनिंग है तो पता चल जाएगी। तो 934 करोड़ रुपीज का प्रोविजनिंग है, इससे पहले एक साल पहले 962 था, तो लगभग सेम है। या क्वार्टर थोड़ा सा गिरावट है, और ईयर क्वार्टरली बेस पे बात करें तो थोड़ी यहाँ पर गिरावट है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, नेट प्रॉफिट तो देखिए 1641 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, इससे पहले 1682 था, जो कि लगभग थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट है 41 करोड़ का। और बात करें ईयरली बेसिस पे तो 1244 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था। तो ईयरली बेस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्वार्टरली बेस गिरावट है, थोड़ी सी गिरावट है। और कंपनी ने HDFC बैंक से एटलीस्ट अच्छे खासे यहाँ पर नंबर पेश करे हैं, तो इस बैंक की तरफ ध्यान दीजिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ये भी हमारे पोर्टफोलियो में है, एज वेल एज जिंदल स्टील, स्टेनलेस स्टील की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इन करोड़ में यहाँ पर रिजल्ट है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हैं, टोटल इनकम देख लेते हैं तो यहाँ पर ये स्टैंड अलोन है, कंसोलिडेट है, दोनों ही देख लेंगे। अगर हम देखें 3850 इससे पहले 3821, इससे पहले 1271, ईयरली क्वार्टरली वाइज जंप है टोटल इनकम में। टोटल एक्सपेंस भी देखिए तो एक्सपेंस यहाँ पर ईयरली वाइज बढ़ रहे हैं, बट क्वार्टरली वाइज स्लाइटली गिरावट है, फ्लैट कह सकते हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें 271 करोड़, इससे पहले 264, इससे पहले घाटे में थी कंपनी 86 करोड़ के। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पर जंप है, तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया। जिंदल स्टील लिमिटेड JSL के नाम से 150 के आसपास ये शेयर भी है, और कुछ आई थिंक मर्जर से रिलेटेड बातें चल रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर बात करें हम यहाँ पर कंसोलिडेट रिजल्ट की, तो वो भी यहाँ पर देखें तो कंसोलिडेट रिजल्ट में भी यहाँ पर इसी तरीके से प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, सेम इसी तरीके से। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। DLF की यहाँ पर आप यहाँ पर रिजल्ट आ गया, 2 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। इसके अलावा इसके रिजल्ट आपके सामने हैं, इन करोड़ में रिजल्ट है। इनकम की बात करें, टोटल इनकम तो 12,042, इससे पहले 1900, इससे पहले 646 करोड़ के यहाँ पर इनकम से। ईयरली वाइज जंप है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। एक्सपेंस की बात करें 956, पहले 1,488, इससे पहले 826। तो ईयरली वाइज यहाँ पर जंप है, क्वार्टरली वाइज यहाँ पर गिरावट है। और बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें दे आप देख सकते हैं। बट अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड के, 337 करोड़ का प्रॉफिट है, इससे पहले 477 करोड़ का था, इससे पहले 71 करोड़ की कंपनी घाटे में चल रही थी, जो कि EPS में भी आपको पता चल जाएगी। तो इस यहाँ पर देख सकते हैं DLF, एज वेल एज बात करें कोरोमंडल, इसके रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आए, काफी बेहतरीन इसके रिजल्ट आए थे, तो शेयर भी भागता हुआ दिखाई दिया। इन करोड़ में रिजल्ट है, अगर हम यहाँ पर देखें स्टैंड अलोन रिजल्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इनकम 3,666, 2,822। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है, एक्सपेंस भी देख सकते हैं, एक्सपेंस भी यहाँ पर बात करें क्वार्टरली ईयरली वाइज जंप है। और यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आफ्टर टैक्स 329 करोड़ का प्रॉफिट है, 156 करोड़, इससे पहले 248। तो ईयरली और क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जो कि इनके ईपीएस में भी दिखेगा। 8 एक साल पहले 8 रुपए का ईपीएस था, अब 11 का हो गया, और 1 महीने पहले सॉरी लास्ट क्वार्टर में 5 का ईपीएस था, अब 11 का है। तो यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करनी है यहाँ पर कंसोलिडेट रिजल्ट की, तो कंसोलिडेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 मिनट, यहाँ पर अगर हम देखते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम ही यहाँ पर नजर आ रहा है, स्लाइटली यहाँ पर जंप है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। अगर एक्सिस बैंक, एक और बैंक के यहाँ पर रिजल्ट आया है, इन लैक्स में रिजल्ट है, यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न यहाँ पर देख सकते हैं। इंटरेस्ट अर्न की बात करें, ईयर क्वार्टरली वाइज यहाँ पर जंप है, ईयरली वाइज यहाँ पर स्लाइटली गिरावट है, फ्लैट कह सकते हैं। 16,000 के लगभग, इससे पहले 15,000 से 16,000। तो अगर हम बात करें यहाँ पर और बहुत सारी चीजें है, टोटल इनकम की बात करें 19,591 लैक्स रुपीज, इससे पहले 20,000 से पहले 19,032। तो ईयरली बेस पे कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, और क्वार्टरली बेस पे स्लाइटली गिरावट है, बट चलेगा। और बात करते हैं यहाँ पर और भी कुछ चीज की, यहाँ पर एक्सपेंसेस की बात करें, 13,000 के आसपास के एक्सपेंस हुए हैं हर बार, हर क्वार्टर में लगभग सेम ही यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए दिखाई दिया है। और बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो वो भी आप देख सकते हैं, ईयरली वाइज बढ़ रहा है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है। बट हम यहाँ प्रोविजनिंग देखते हैं, तो इस बार की प्रोविजनिंग ईयरली वाइज गिरावट है, बट क्वार्टरली वाइज थोड़ी सी यहाँ पर जंप हुई है, 3,532 लैक्स रुपीज, से पहले 3,294, इससे पहले 4,416। तो अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो जो कि आपके सामने 2,160 लैक्स रुपीज का प्रॉफिट है, एक साल पहले 1,112 था, और एक क्वार्टर पहले 2,677 लैक्स रुपीज था। तो अगर बात करें ईयरली वाइज अच्छी खासी जंप है, लगभग डबल ही है, और क्वार्टरली वाइज बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली गिरावट है, जो कि ईपीएस में भी आपको
चल केगी। इसके अलावा एनपीएस वगैरह देख लीजिएगा, कोटेक के भी एनपीएस देख लीजिएगा, मैं आपको बताना भूल गया हूँ। एनपीएस की बात करें ईयरली वाइज, यहाँ पर ग्रॉस एनपीएस घटते हुए नजर आ रहे, क्वार्टरली वाइज लगभग स्लाइडली जंप है। नेट एनपीएस अगर देखें यहाँ पर परसेंटेज में, तो ईयरली वाइज गिरावट है थोड़ी सी, और क्वार्टरली वाइज भी और जंप है यहाँ पर थोड़ी सी, तो इस चीज को आप ध्यान में दे सकते हैं। इसके अलावा अपोलो पाइप्स, यहाँ पर देखिए पाइप्स के रिजल्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एस्ट्रल एज वेल एज प्रिंस पाइप के भी रिजल्ट आने वाले हैं, और फिनोलेक्स के भी रिजल्ट आने वाले हैं। इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा इन ईपीएस इनलेक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल इनकम देखे तो यहाँ पर इनकम ईयरली वाइज बढ़ रही है, क्वार्टरली वाइज गिरावट है, यहाँ पर आपको पता ही है क्या रीजन है। एक्सपेंस की भी बात करें, यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की सीधे हम बात करते हैं तो 875 लाख रुपीज का प्रॉफिट है। एक साल पहले 200 था, तो कंपनी ने लगभग 4 गुना यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है ईयरली बेसिस पे, बट क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर 50% गिरावट नजर आ रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्या रीजन है यहाँ पर आपको पता ही, यहाँ पूरा लॉकडाउन था, यहाँ पूरा अनलॉक था, तो इस वजह से अपोलो की, और इसी तरीके के रिजल्ट आई थिंक दूसरी कंपनीज के भी आ सकते हैं। अलेम्बिक की बात करें, अलेम्बिक फार्मा लिमिटेड, इसके रिजल्ट अगर हम देखें तो इन करोड़ में रिजल्ट है। इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो बताऊंगा आपको इसमें कितनी कैलिबर है, तो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। टोटल इनकम की बात करें 1327 करोड़ के यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 1284, इससे पहले 1341। तो बात करें ईयरली बेसिस स्लाइटली गिरावट है, बट क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छी खासी टोटल इनकम होती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक्सपेंस की बात करें 1145, इससे पहले 992, इससे पहले 982 करोड़ रुपीज के यहाँ पर एक्सपेंस हुए थे। ईयरली क्वार्टरली वाइज एक्सपेंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बट हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 164 नॉन कंट्रोल, हाँ तो 164 करोड़ का प्रॉफिट है। एक साल पहले यहाँ पर 301 था, और यहाँ पर बात करें 250 करोड़ के आसपास का यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट था, बट अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है, बट अगर बात करूँ यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो काफी बेहतरीन है। इनके अभी बैलेंस शीट पे जाओगे और पिछले काफी सालों के यहाँ पर परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको पता चलेगी इस कंपनी में बहुत सारा कैलिबर है, और ये शेयर कभी भी आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है। रिजल्ट मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्सपेंस घटते बढ़ते रहते हैं, बट यहाँ पर रेवेन्यू बढ़नी चाहिए, रेवेन्यू बढ़ रही है, ये काफी अच्छी बात है, तो यहाँ पर ईपीएस पे भी नजर बना के रख सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर जहाँ जो जितनी भी कंपनी के हमने रिजल्ट देख लिए सारे अच्छे हैं, तो इनकी तरफ नजरें बनाइएगा। कल की डेट में एक कुछ स्टॉक भाग सकते हैं, कुछ स्टॉक गिर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।